नगर परिषद की बैठक में हंगामा। नगर परिषद इंद्रगढ़ का साधारण सम्मेलन नगर परिषद के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक एजेंडा में 30 विषयों को शामिल कर चर्चा हेतु शामिल किया गया था। निर्धारित समय से 2 बजे से शुरू होने वाली परिषद की बैठक कुछ घंटे विलंब से शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही पार्षद सुमित उपाध्याय, अखिलेश सेन, अरविंद जाट, अनार सिंह यादव सहित अन्य पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष गौरी रामस्वरूप मंडेलिया पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष की कार्यप्रणाली का विरोध किया। बैठक में शामिल 30 विषय में से सिर्फ 4 प्रस्ताव पारित करते हुए शेष 26 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। बैठक पूरे समय हंगामेदार रही और सभी पार्षदों ने मुखर विरोध करते हुए कहा, अब मनमानी नहीं चलेगी। वार्ड पार्षदों को सम्मान देना तो दूर, उन्हें उनके वार्डों में बुलाया नहीं जाता है। नगर में जरूरी विकास कार्यों को दरकिनार कर आवश्यक निर्माण कार्यों को कराया जा रहा है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री से निर्माण का आरोप लगाते हुए निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में सिर्फ 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। परिषद की बैठक में कई बार हंगामा हुआ जिसे अध्यक्ष शांत कराते नजर आए, लेकिन पार्षद अध्यक्ष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और तार हंगामा करते रहे। इंद्रगढ़ से संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 12 की दर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखे गए थे, 4 या 5 जो भी हो, तो जब सब लोगों की टेंडर लगेंगे एक साथ दर स्वीकृत कर देंगे। भेदभाव तो ना करें हमारे साथ। अध्यक्ष साहब फोन नहीं उठाते, सुनते नहीं हैं। जब कोई काम होता है तो फोन कर देते हैं, बेटा आना है आपको, इज्जत की बात है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, दर स्वीकृत हम जब करेंगे, जब हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 14, 9, 10, 11, इन सबके 4 के सबका लगे टेंडर। नगर के सभी वार्डों के समानता से एक मेन कारण यही है, तानाशाही रवैया और सीएमओ साहब का, अध्यक्ष साहब का। हर वार्डों में समानता के आधार पर काम होना चाहिए और अपने अपने देख के वो अपना अपना सिस्टम बना के सभी वार्डों में टेंडर लगा रहे हैं। जहाँ सीसी डली है वहाँ टेंडर लगा रहे हैं, जहाँ लीगल परेशानी है, जन समस्या है, पानी भरा है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। आप भाजपा से पार्षद जी, पार्षद भाजपा की, हाँ, अध्यक्ष साहब भाजपा की, फिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है गुटबाजी के हिसाब से, कहीं काम चल रहा है, किसी के दबाव में काम चल रहा है। किसके दबाव में? अब दबाव किसी का हो सकता है उनके ऊपर, वो ही जाने। वो तो कहते हैं, सीएमओ साहब कहते हैं कि हम तो जब हमारे वहाँ से रिजेंडी मिलेगी तब हम वार्ड नंबर 14 के या वार्ड नंबर 4 के ऐसे टेंडर लगाएंगे इन लोगों की। अभी इन लोगों के टेंडर नहीं लगेंगे। तो काम सिर्फ आपके वार्ड में हो रहा है, किसी के वार्ड में नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग 8 लोगों के वार्ड में, 9 लोगों के वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। और जो भी काम हुए हैं पहले, दो काम हुए हैं, वो भी पहले स्टार्टिंग में हो गए। अब समस्या देखो, पानी कितनी समस्या है, हर जगह पानी भरा हुआ है, कोई निर्माण कार्य नहीं है।